बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट के नावल में सकाफती झगड़ा या लड़ाई। चिनुआ एचपी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्टर्स इन अफ्रीकन लिटरेचर। चिनुआ एचपी is one of the most important novelists, intihai ahem novel nigaron mein se ek hai in African literature, Africa ke literature mein. In this novel, is novel mein, the book may have been written as a study of Okonkwo's deterioration in character. Kitab likhi ja sakti hai, मे हैव बिन रिटन हो सकता है कि लिखी जा चुकी है, एज अ स्टडी ऑफ ओकोनकोस डिटेरियोरेशन इन करैक्टर। ओकोनको की खराबी इन करैक्टर, किरदार में, किरदार में ओकोनको की खराबी के मतालिया के तौर पर। बट इट इज समथिंग मोर देन अ स्टोरी ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, लेकिन ये कुछ उससे ज़्यादा है, कहानी से, ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, हीरो की कहानी से कुछ ज़्यादा है। एचबी शोज द सोशल एंड फैमिली रिचुअल्स। एचबी मुआशरती और ख़ानदानी रस्में जाहिर करता है, द मैरिज कस्टम्स, शादी की रस्में, फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार एंड प्रिपरेशन प्रोसेसेस और तैयारी के अवामल, द शेयर्ड लीडरशिप फॉर द कम्युनिटी, बरादरी के लिए, मुआशरे के लिए तकसीम शुदा क़यादत, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, मजहबी अकायद और कायदे, एंड द अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरी मैन टू क्लाइम अप द लैडर ऑफ क्लैन सक्सेस थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एवरी मैन टू क्लाइम अप, और हर एक आदमी के लिए मौके, टू क्लाइम अप द लैडर, सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, ऑफ क्लैन सक्सेस, कबीले की कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, थ्रू हिज ओन एफर्ट्स, अपनी कोशिशों के जरिए। ही टेल्स हाउ दीज कोड्स ऑफ ट्राइबल सिस्टम एंड बिलीव्स चेंज। ही टेल्स, वो बताता है कि कैसे ये जवाबत ऑफ ट्राइबल सिस्टम कबायली निज़ाम के और अकायद के कैसे तब्दील हुए। वैन सम आउटर फोर्स इंट्रूडेड इन द सोसाइटी, जब किसी बैरूनी कुव्वत ने मुआशरे में मुदाखलत की, द होल सोसाइटी बिकेम द सेंटर ऑफ द क्लैश ऑफ टू कल्चर्स। द होल सोसाइटी बिकेम द सेंटर, पूरा मुआशरा मरकज बन गया, ऑफ द क्लैश, तसादम का, झगड़े का, ऑफ टू कल्चर्स, दो सकाफतों के, तसादम का मरकज बन गया। इन थिंग्स फॉल अपार्ट, थिंग्स फॉल अपार्ट के नावल में बिफोर एंड आफ्टर इंट्रूजन, मदाखलत से पहले और बाद में, एचबी पोर्ट्रेस द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल living in African villages named Yomufia, Mubanta and other smaller ones. HP portraits, HP तस्वीर खींचता है, नक्शा उतारता है मुआशरती, इक्तसादी, सियासी और मजहबी जिंदगी का, of the people living in African villages, अफ्रीकी देहातों में रहने वाले लोगों के, यमुफिया नामी, मुबांटा और दूसरे छोटे देहातों का, द पीपल ऑफ दीज विलेजेस लेड देयर लाइफ हैप्पीली, इन देहातों के लोग अपनी जिंदगी गुजारते थे हैप्पीली, खुशी से, विदाउट बिटरनेस ऑफ एनी सीरियस काइंड, बगैर किसी किस्म की संजीदा तलखी के बगैर, they were contented with what they had, वो जो कुछ उनके पास था उस पर
मुतमिन थे। देयर मेन ऑक्यूपेशन वॉज फार्मिंग, उनका बड़ा पेशा खेती बाड़ी था। ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्ट सीजन्स, बीज बोने यानी बजाई और फसल की कटाई के मौसमों के दौरान, दे वर्कड हार्ड इन देयर फील्ड्स, वो अपने खेतों में सख्त मेहनत करते। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। दे वर क्वाइट अनअवेयर ऑफ व्हाट वॉज हैपनिंग इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दे वर क्वाइट अनअवेयर, वो बिल्कुल बेखबर थे of what was happening in African continents around them, जो कुछ अफ्रीकी बरियाज़म में हो रहा था, around them, उनके इर्द गिर्द। They did not have knowledge of advanced technique of farming and military techniques. They did not have knowledge, वो इलम नहीं रखते थे, of advanced technique, तरक्की याफ्ता तकनीक of farming, खेती बाड़ी की, एंड मिलिट्री टेक्निक्स, और फौजी तकनीकों का इलम नहीं रखते थे। दे वर हॉस्पिटेबल बाई नेचर, वो फितरत के अतबार से मेहमानवाज थे। दे ऑलवेज गेव अ वार्म वेलकम टू देयर गेस्ट्स, वो हमेशा अपने मेहमानों को पुरजोश खुश आमदीद कहते थे। दे ऑफर्ड देम कोला नट्स एंड फार्म वाइन टू ईट एंड ड्रिंक, वो ऑफर देम, उनको पेश करते थे कोला नट्स और पाम वाइन, खजूर की शराब, टू ईट, खाने और पीने के लिए। एंड रिजाइज इन देयर कंपनी, और अपनी सोहबत में खुश होने के लिए। दे लिव्ड इन कोऑपरेशन विद वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ तआवुन से रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हिस्ट्री एट मोबांटा फॉर 7 years ऑफ एग्जाइल, उसका मवांटा में क्याम, फॉर 7 years ऑफ एग्जाइल, जलावतनी के 7 सालों के लिए, उकान को घाट फुल कोऑपरेशन, उकान को ने पूरा तआवुन हासिल किया। फ्रॉम हिज मदर्स ब्रदर, अपनी माँ के भाई से, युचेंडो एंड हिज सन्स, माँ के भाई युचेंडो से और उसके बेटों से। फेस्टिवल्स नॉट ओनली प्रोवाइडेड देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड मेरी मेकिंग इन एन फेस्टिवल्स, त्यौहार ना सिर्फ उन्हें मुहैया करते थे द अपॉर्चुनिटी, मौका ऑफ ईटिंग, खाने का, ड्रिंकिंग पीने का, एंड मेरी मेकिंग और हंसी मजाक का, इन एन, इन में, एन एक असेंबली, इज्तमा, बट आल्सो हेल्प द इग्बो पीपल, बल्कि इग्बो के लोगों की मदद भी की। टू डिवेल्प इंटीमेसी अमंग देमसेल्स, आपस में दोस्ती को बढ़ाने के लिए। दे हैड अदर सोर्सेज ऑफ रिक्रिएशन आल्सो, वो तफरी के दूसरे जराए भी रखते थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम वर रेस्लर्स, उनमें सबसे ज़्यादा अहम रेस्लर्स थे, पहलवान थे। इग्बो पीपल वर फाउंड ऑफ सीइंग दीज मैचेस, इग्बो के लोग इन मुकाबलों को देखने के शौकीन थे। दे डांस्ड विद द बीट ऑफ द ड्रम्स, वो ढोल के पीटने पर रक्स करते थे। एंड रिजाइस्ड इन द विक्ट्री ऑफ देयर फेवरेट रेस्लर्स, और अपने पसंदीदा पहलवानों की फतह पर खुश होते थे। They were fond of telling funny, ethical and adventurous stories to their children. They were fond of telling, वो बताने के शौकीन थे, मजाया, इखलाकियाती और मुहिमजू कहानियाँ to their children, अपने बच्चों को। So far as their political life is concerned, जहाँ तक उनकी सियासी ज़िंदगी का तअल्लुक है, they were happy with it, वो इसके साथ खुश थे। There was a council of elders consisting of 9 great men of the clans to decide all the political issues in a democratic way. There was a council, a council thi of elders, badon ki,
consisting of nine great men, जो नौ बड़े आदमियों पर मुश्तमिल थी, of the clans, कबीलों के, to decide all the political issues, तमाम सियासी मसाइल का फैसला करने के लिए, in a democratic way, जमहूरी अंदाज में. They had no king or government to rule over them. उनका कोई बादशाह नहीं था या हुकूमत to rule over them, उन पर हुकूमत करने के लिए. The people believed in the supremacy of one God. लोग एक खुदा की बरतरी पर यकीन रखते थे. Whom they called चुकवो, जिसे वो चुकवो कहते थे. They had belief in many spirits, gods and goddesses, oracles, evil spirits, priesthoods, medicine, man and magic, etc. They had belief, वो अकीदा रखते थे, in many spirits, बहुत सी रूहों पर, देवताओं पर, देवियों पर, oracles पर, बुरी रूहों पर, priesthood, पादरियत पर, medicine man, तिब्बी आदमियों पर, यानी डॉक्टरों पर, और जादू वगैरह पर. दे वर हैप्पी विद देयर रिलीजियस लाइफ, वो अपनी मजहबी ज़िंदगी पर खुश थे. इन स्पाइट ऑफ सर्टेन खास ट्रेडिशनल इवल्स, रवायती बुराइयों के बावजूद, जैसा कि थ्रोइंग ऑफ इन्फेंट ट्विन्स, जैसा कि शीरखार जुड़वा मच्छू को फेंकना, किलिंग ऑफ इनोसेंट बॉय, लाइक इकमिफुना फॉर अदर्स फॉल्ट, मासूम लड़के को कत्ल करना, जैसा कि इकमिफुना को, फॉर अदर्स फॉल्ट, दूसरे की गलती के लिए. थ्रोइंग ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस इनटू इविल फॉरेस्ट टू रॉट, थ्रोइंग ऑफ पीपल, लोगों को फेंक देना, सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, संजीदा बीमारी से मुबतला, यानी संजीदा बीमारी में मुबतला लोगों को फेंक देना, इनटू इविल फॉरेस्ट, बुरे जंगल में, टू रॉट, गलने सड़ने के लिए, एंड डाई, और मरने के लिए, एंड बैनिंग ऑफ बरियल बाय द क्लेम्स मैन ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द मैन, लाइक ओकान को, और बैनिंग ऑफ बरियल, तदफीन से मना करना, रोकना, बाय द क्लेम्स मैन, कबीले के आदमियों का, ऑफ द डेड बॉडीज, मरे हुए अजसाम का, मरे हुए लोगों का, मुर्दा अजसाम का, यानी मुर्दों का, डेड बॉडीज, मुर्दों का, ऑफ द मैन, मर्दों के, आदमियों के, मरे हुए अजसाम, कबीले के आदमियों से तदफीन से रोकना, मना करना, जैसा कि ओकान को, वो हु हैपन टू कमिट सुसाइड इवन फॉर अ ग्रेट काज, जिसने खुदकुशी की थी, यहाँ तक कि एक ग्रेट काज, एक बड़े मकसद के लिए. क्लैश ऑफ कल्चर्स डिवेल्प्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस स्टेप्ड इनटू द इग्बो विलेजेस. क्लैश ऑफ कल्चर्स, सकाफतों की लड़ाइयाँ डिवेल्प्ड, बढ़ती गईं, इस सकाफतों की लड़ाई बढ़ती गई. व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस स्टेप्ड इनटू द इग्बो विलेजेस, जब बैरूनी कुवतों ने इग्बो के देहातों में कदम रखा, एंड बिगेन टू क्रिएट हैविक इन देयर हैप्पी लाइफ, और उनकी खुशगवार जिंदगी में तबाही बर्बादी पैदा कर दी. एज डिस्क्राइब्ड अबव इन डिफरेंट फेजेस, जैसा कि ऊपर मुख्तलिफ सूरतों में बयान की गई. एट फर्स्ट द मिशनरीज अपीयर्ड, पहले तो मुबल्लगीन, पादरी जाहिर हुए. दे बिल्ड देयर चर्च इन डिफरेंट विलेजेस, उन्होंने मुख्तलिफ देहातों में अपने चर्च तामीर किए. दे प्रोपोगेटेड द गॉस्पेल ऑफ क्रिश्चियनिटी, उन्होंने ईसाइत की अंजील को फैलाया. एंड अट्रैक्टेड अ ह्यूज नंबर ऑफ इग्बो पीपल टू देयर रिलीजन, और बड़ी तादाद में इग्बो के लोगों को अपने मजहब की तरफ खींचा.
द नंबर ऑफ कन्वर्ट्स वेंट ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे. कन्वर्ट्स नौ मजहब लोगों की तादाद में दिन ब दिन अजाफा होता चला गया. दस द मिशनरी फैक्टर वाज सक्सेसफुल. इस तरह पादरी अमल कामयाब था इन डिवाइडिंग द प्रिमिटिव पीपल अमंग देमसेल्व्स. कदीमी लोगों को आपस में तकसीम करने में कामयाब था. द कन्वर्ट्स टर्न्ड बिटर एनिमीज ऑफ देयर ब्रदर्स. नौ मजहब यानी नया मजहब इख्तियार करने वाले टर्न्ड बिटर एनिमीज शदीद दुश्मन बन गए ऑफ देयर ब्रदर्स अपने भाइयों के. मिसेस स्मिथ्स स्ट्रिक्टनेस एडेड मच टू द बिटरनेस बिटवीन कन्वर्ट्स एंड नॉन कन्वर्ट्स. मिसेस स्मिथ की सख्ती ने अजाफा कर दिया, ज़्यादा अजाफा कर दिया टू द बिटरनेस तलखी में बिटवीन कन्वर्ट्स और नॉन कन्वर्ट्स के दरमियान. हिज पॉलिसीज टर्न्ड द अपसाइड डाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पीसफुल लाइफ ऑफ द नेटिव पीपल. उसकी पॉलिसियों ने उल्ट पलट कर रख दिया यानी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम कर दिया और तकसीम कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया. द पीसफुल लाइफ ऑफ द नेटिव पीपल मकामी लोगों की पुरसकून जिंदगी को परेशान कर दिया. ही सा थिंग्स ब्लैक एंड वाइट. उसने चीज़ों को स्याह और सफ़ेद देखा. कॉल्ड इगबो पीपल द सन्स ऑफ डार्कनेस. कॉल्ड इगबो पीपल कहते थे द सन्स ऑफ डार्कनेस तारीकी के बेटे. बिलीव्ड यकीन रखते थे इन स्लेइंग द प्रॉफिट्स ऑफ इगबो, इगबो के पैगंबरों को कत्ल करने में. पीपल लोगों को ऑफ इगबो पीपल इगबो के लोगों के. ही क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसीज ऑफ मिस्टर ब्राउन. उसने मिस्टर ब्राउन की पॉलिसियों पर तनकीद की. हु वर्कड विद द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी. जिसने ईसाइत के सच्चे जज्बे के साथ काम किया. विदाउट हार्मिंग एनीवन किसी को तकलीफ या नुकसान पहुंचाए बगैर. हाउएवर द मिशनरीज बाय देमसेल्व्स फेल टू डिस्ट्रॉय इगबो कल्चर. अहम मुबल्लगीन बजाते खुद इगबो की सकाफत को तबाह करने में नाकाम हो गए. द रियल प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन बिगैन. हकीकी अमल ऑफ डिसइंटीग्रेशन इंतशार का हकीकी अमल शुरू हुआ व्हेन द कॉलोनियल पावर सेट अप इट्स गवर्नमेंट. जब नौ आबादियाती ताकत ने अपनी हुकूमत कायम की. कोर्ट्स ऑफ जस्टिस इंसाफ की अदालतें कायम की. प्रिजंस कैदें यानी जेलें. एंड एजेंसीज फॉर ट्रेड और तजारत की एजेंसियां कायम की. एंड कॉमर्स और कारोबार और तजारत की. द गवर्नमेंट बिगेन टू एनफोर्स इट्स लॉस. हुकूमत ने अपने कवानीन का नफाज शुरू किया. इगबो पीपल हु डिड नॉट अबाइड बाय द वाइट मैनस लॉस वर थ्रोन बिहाइंड द बार्स. इगबो के लोग हु डिड नॉट अबाइड बाय जो गोरे के कवानीन की पाबंदी नहीं करते थे वर थ्रोन बिहाइंड द बार्स. उनको सलाखों के पीछे फेंक दिया गया, डाल दिया गया. इवन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ एल्डर्स वर नॉट स्पेयर्ड. यहाँ तक के बुजुर्गों की काउंसिल के अराकीन वर नॉट स्पेयर्ड ना छोड़े गए, उनको ना माफ़ किया गया, ना बख्शा गया. दे वर इंसल्टेड beaten and tortured. उनकी बेइज्जती गई, पटाई की गई और अजियत दी गई. ट्रेडिशनली अमंग द अफ्रीकन्स पेरेंट्स आर द मैच मेकर्स बिटवीन द डॉटर्स एंड वुड बी हस्बैंड्स. ट्रेडिशनली रवायती तौर पर अफ्रीकन्स के दरमियान वालदैन और मैच मेकर्स, वालदैन ही शादी करवाने वाले हैं. बिटवीन देयर डॉटर्स एंड वुड बी हस्बैंड्स अपनी बेटियों
और उनके होने वाले खामदों के दरमियान अमंग द इग्बो इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पेरेंट्स टू हैव अ फाइनल वर्ड अबाउट द मैरिज ऑफ देयर सन और डॉटर. इट इज द प्रेरोगेटिव, ये इख्तियार है ऑफ द पेरेंट्स वालदेन का टू हैव अ फाइनल वर्ड, आखिरी बात करना अबाउट द मैरिज ऑफ देयर सन, अपने बेटे या बेटी की शादी के बारे में. डॉरी वास रीपेड अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, जहेज रीपेड किया जाता था, अदा किया जाता था अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी ऑफ द गर्ल, लड़की की खूबसूरती के मुताबिक. द पोजिशन ऑफ हर पेरेंट्स इन द सोसाइटी, मुआशरे में उसके वालदेन की पोजिशन के मुताबिक. एंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड द सोशल स्टैंडिंग ऑफ द फादर, और अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और काबिलियत और मुआशरती मकाम के मुताबिक. ऑफ द फादर ऑफ द फाइनेंस, फादर ऑफ द फाइनेंस माल के बाप के मुआशरती मकाम के मुताबिक. अमंग द यमुफियंस द बर्थ ऑफ ट्विन इज रिगार्डेड एज एन एनाथीमा. यमुफियंस के दरमियान द बर्थ ऑफ ट्विन, जुड़वा की पैदाइश इज रिगार्डेड, समझी जाती है एज एन एनाथीमा, एक मलाउन चीज के तौर पे. व्हेन अ प्रेग्नेंट वुमन गिव्स बर्थ टू अ सेट ऑफ ट्विन्स और ट्रिपलेट्स, जब एक प्रेग्नेंट खातून जुड़वा या तिका, मतलब जुड़वा होते हैं दो और ट्रिपलेट्स तिका मतलब तीन बच्चों को जन्म देती है. द पीपल बिलीव दैट द गॉड्स हैव सेंट ओमिनस थिंग्स टू देम, लोग यकीन रखते हैं कि देवताओं ने मनहूस चीज़ों को उनके पास भेजा है. Therefore, the twins or triplets are usually thrown away into the evil forest. इसीलिए जुड़वा यतिका बच्चों को आम तौर पर बुरे जंगल में फेंक दिया जाता है, बुरे जंगल में फेंक दिए जाते हैं. Where all evil things are found, जहाँ तमाम बुरी चीज़ें पाई जाती हैं. Before the intrusion of western forces, मगरबी कुवतों की मदाखलत से पहले, the natives were not aware of the term like corruption. मकामी बशिंदे were not aware, बाखबर नहीं थे, of the term like corruption, बद अनवानी जैसी टर्म से, इस्तलाह से वाकिफ नहीं थे. At one occasion, when the church built by the missionaries was dashed to ground, एक मौका पर जब चर्च जो के मबल्लगीन ने तामीर किया था, was dashed to ground, पाश पाश कर दिया गया. 50 bags of cowries went to the share of the head messenger, who charged 250 bags instead of 200 for fine imposed by DC. 50 bags of cowries went to the share. 50 थैले कौरीज के went to the share, हिस्से में गए of the head messenger, जो के सरबरा एलची के हिस्से में. वो charged 250 bags, जिसने 250 थैले वसूल किए instead of 200, 200 की बजाय for fine, जुर्माने के लिए imposed by DC, जो कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से आयद किया गया. इन लियू ऑफ रिलीजिंग 6 क्लैंसमैन एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द चर्च, इन लियू ऑफ रिलीजिंग यानी 6 आदमियों को आज़ाद करने की जगह, 6 क्लैंसमैन 6 कबीले के आदमियों को एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग द चर्च, जिन पर चर्च को तबाह करने का इल्ज़ाम लगाया गया था. टू कंक्लूड, नतीजा अखज़ करने के लिए, वी कैन राइटली से, हम ठीक तौर पर कह सकते हैं, डेट द नावल थिंग्स फॉल अपार्ट इज रियली समथिंग मोर देन द स्टोरी ऑफ कोकान को, के नावल थिंग्स फॉल अपार्ट हकीकी तौर पर कुछ ज़्यादा है
द स्टोरी ऑफ ओकानको ओकानको की कहानी से. इट हैज अ क्लैश बिटवीन टू कल्चर्स. ये दो सकाफतों, दो तहजीबों के दरमियान तसादम को, लड़ाई को बताता है. एंड राइजेज अबव द फैक्ट दैट हाउ वेस्टर्न पार्ट्स चेंज्ड एंड इंट्रूडेड इन द बिलीफ इन टू द बिलीफ्स कस्टम्स लाइफ स्टाइल एथिक्स कोड्स कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉलोनाइज सोसाइटीज इन अफ्रीका. इट टेल्स द क्लैश, ये लड़ाई के बारे में बताता है. बिटवीन टू कल्चर्स, दो सकाफतों की. एंड राइजेस अबव द फैक्ट, और इस हकीकत से ऊपर उठाता है. दैट हाउ वेस्टर्न पार्ट्स, के कैसे मगरबी ताकतों ने चेंज्ड एंड इंट्रूडेड, चेंज तब्दील किया और मदाखलत की इनटू द बिलीफ्स अकायद में, कस्टम रस्म लाइफस्टाइल तर्से ज़िंदगी एथिक्स इखलाकियात कोर्स जवाबत कंडक्ट तर्ज़ अमल रूल्स एंड रेगुलेशंस असूलों कवानीन ऑफ द कॉलोनीज सोसाइटीज कॉलोनियों की मुआशरों के दरमियान इन अफ्रीका में. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही कल्चरल कन्फ्लिक्ट इन थिंग्स फॉल अपार्ट का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.